आरपीआई की पंजाब प्रदेश महिला प्रधान मैडम नवनीत गोयल से विशेष मुलाकात के दौरान उन्होंने महिलाओं व नौजवानों को दिया विशेष संदेश। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन विंग की हूँ और ये जो पार्टी है ये रामदास अठावले जी के अंडर उनकी गाइडेंस में काम कर रही है और इसका जो इसको जो गठित किया गया था आज़ादी के टाइम से जो इनके फादर ऑफ द पार्टी हैं वो बी आर अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फर्स्टली मैं ये चीज़ कहूँगी, आई वुड लाइक टू मैंशन कि जिहड़ी साडी पार्टी है किसी भी वर्ग लई बायस ना होकर पर स्पेशली दलित ते जिन्हें भी डाउन ट्रोडन सैक्शन ऑफ सोसाइटी ने, फाइनैशली डिप्राइव्ड सैक्शन ने, इकनोमिकली डिप्राइव सैक्शन ने, जिमें कि दलित हो गए, गरीब लोग हो गए, शोषित लोग, पीड़ित लोग हो गए, उन्होंने बहुत सारी प्रोविजनस ने साड़ी पार्टी वालों, जिमें कि कोई गरीब बच्चा जो जरा कि काबिल बच्चा है अपनी 12th क्लास कर ले या 10th क्लास कर ले एंड इफ ही इज कैपेबल इनफ एंड ही कैन ट्रेवल बैक टू अदर कंट्री फॉर हिज फर्दर स्टडीज, उसके लिए पार्टी की तरफ से कुछ लोन का प्रोविजन है। अगर कोई कैपेबल अच्छा लीडर या कोई अच्छा इंसान जिसके एरिया में कुछ नशे का ज़्यादा रुझान है लोगों का और वो उसके लिए हेल्प करना चाहता है और नशा मुक्ति केंद्र के लिए या वृद्ध आश्रम जैसी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए पार्टी की तरफ से कुछ हेल्प मिलती है और गरीब बच्चों की डेफिनेटली पढ़ाई के लिए उस तरीके के भी संविधान में पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें रखी गई हैं। मैम एक प्राइवेट स्कूलों का काफ़ी विरोध पेरेंट्स एसोसीएशन वालों किया गया भी फीस हर साल बढ़ा देंगे, ये बारे तुहाडा की कहना जी, तुसी भी एक स्कूल चला रहे हो? हाँ जी, देखिए मैं ये कहूँगी कि स्कूल्स तो हमारे आई एम इन टू एजुकेशन फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, लेकिन जो बठिंडा में या मौड़ बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा एक स्कूल मौड़ मंडी में है, पिछले 3 साल से हमने उसमें कोई फीस का इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं किया एंड एज फार एज आई एम अवेयर 10% इंक्रीमेंट इज अलाउड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एज पर द रूलिंग, ठीक है। लेकिन कई स्कूलों में देखा जाता है कि ये जो फीस है वो हर साल एक अलग ही पैमाने पे बढ़ाई जाती है बिना किसी चीज को ध्यान में रखे हुए कि लोग इतना भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, वो वाजिब है कि नहीं वाजिब है। और जैसे कि कुछ प्रोविजन सरकार ने दी है, इसके लिए भी मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि कुछ एक लिमिटेड किलोमीटर्स ऑफ एरिया से अगर कोई गरीब बच्चा कैपेबल है और उसको फ्री एजुकेशन या ही हैज़ द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उसको कुछ तरीके की प्रोविजंस दी गई हैं, फिर भी उन चीज़ों पे अमल नहीं किया जाता है, झूठी सर्टिफिकेशंस कह लीजिए या उन्हीं बच्चों के, गरीब बच्चों के नाम पे किसी और को एडमिशन दे देना, वो जो सरकार इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स जो ले रही है टूवर्ड्स एजुकेशन, टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, स्टिल पीपल आर नॉट कोपिंग अप विद दोस, वेदर इट बी द एजुकेशनल स्ट्रक्चर और वेदर इट बी द डिपार्टमेंट्स। मैम तुम नौजवानों को की संदेश देना चाहते हो, खासकर लेडीज में? लेडीज लई ते नौजवानों लई मेरा सब तो वध चढ़कर एक यही संदेश है कि जागरूक हो ते जागरूक करो, लिव एंड लेट लिव, लाइफ इज टू स्मॉल फॉर हैजर्डस थिंग्स, लाइक जैसे कि अभी नशाखोरी इतनी है यहाँ पे सोसाइटी में, जेंडर बायसनेस इतनी है और मैं कहूँगी कि करप्शन में लोग इतना बिलीव करते हैं, नौजवान पीढ़ी जो है सारी क्विक मनी के आफ्टर, दे आर रनिंग आफ्टर क्विक मनी, हाउ टू लाइक गेट मनी लाइक दिस, दे डोंट वांट टू अर्न आउट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, ठीक है। और लास्ट में ये कहूँगी एक जो बॉन्ड है जो हमारी इंडियन कल्चरल हेरिटेज है कि अपने माँ बाप की आप रिस्पेक्ट करिए, अपने रिलेशन की आप रिस्पेक्ट करिए, एक देशभक्ति की भावना, एक पेट्रियोटिक फीलिंग जो एक इंडियन के अंदर होनी चाहिए, दोज थिंग्स आर मिसिंग आउट ऑन एवरीडे बेसिस। लेडीज के लिए जी, लेडीज के लिए छोटी सी एक बात कहूंगी कि सक्षम कोई बनाता नहीं है, सक्षम बनना पड़ता है, हेल्प कोई करता नहीं है, हेल्प लेनी पड़ती है। थर्डली अगर बच्चा भी माँ से दूध ना मांगे तो माँ भी शायद एक बिना रोए बच्चे की हेल्प नहीं करती है, तो अपने आप को समझिए, अपनी शक्तियों को समझिए, वी बोथ आर मैन एंड वुमेन बोथ आर हैंड इन हैंड, दे गो टूगेदर एंड दे नीड ईच अदर इक्वली। मैम तुसी फ्रीडम फाइटर मार्टियर एसोसिएशन के पंजाब के सैकटरी भी हो, तुसी एक फ्रीडम फाइटर खानदान तो, तुहाडे नाना जी टेक चंद्र कांसल जी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं जी, ते तुहानू इस एसोसिएशन वालों या एसोसिएशन नाल जुड़े जिहड़े फ्रीडम फाइटर दे परिवार है उन्हां वालों या अपने नाना जी वालों की सिक्ख्या मिली है जी, तुसी दसना चाहोगे जी? जी, मेरे नाना जी श्री टेक चंद कांसल जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव सीगे आज़ादी वल, जेड़ा कि संघर्ष सीगा उन्हों का ज़्यादा यातायात ते सारा संघर्ष जेड़ा सीगा, जिमें कि मैं नाम लेना चाहूँगी इंदिरा गांधी,
पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, उन्हां नाल कई बारी वो जेल भी गए ने संघर्ष के चलते। ते बहुत ही अच्छा, मैं छोटी जी सीगी 8 तो 10 या 12 साल की, अज तो काफ़ी साल पहले जो नाना जी एक्सपायर हुए सी, ते मैं फर्स्ट टाइम किसी ते नेशनल फ्लैग चढ़ते हुए देखिया, उत्थे मैं सलामी देंदे हुए देखिया। मैं कहांगी जिंदगी, मैं 30 साल की उम्र की एक लेडी हो गई हाँ, पर जिहड़ी वो यादा ने वो हले भी दिल च तक तक कर दिया ने। ते जिहड़ा वो बीज देश भगती का उस टाइम बोया गया सी, वो चाह कर भी वो निकल नहीं सकता, ते कोई कर नहीं सकता, ठीक है। ते फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के जिहड़े साडे नैशनल प्रधान ने वो मिस्टर संजीव वर्मा ने, अबोहर बेस्ड ने, बड़े ही चंगी सोच के मालिक ने वो, ते सारा एक साडा संगठन जिहड़ा है डिफरेंट डिफरेंट लैवल्स ते स्टेट वाइज ते नैशनली उन्हों सारा इंक्लाइंड करन दी कोशिश चलती पई है, जिदे विच जिवें साडी फ्रीडम फाइटर एंड मार्टियर एसोसिएशन है, एक थां ते कोई भगत सिंह ब्रिगेड करके भी सारा सिस्टम है, ते सारे लोगों नू एक अच्छी सोच नाल जोड़न दी एक कोशिश संजीव वर्मा जी वालों कीती मैम, है। पंजाब के RPI की महिला विंग की कार्यकारिणी का ऐलान कदों तक हो गई? सर काम चल रहा है, ठीक है, और मैं यही कहूंगी कि आई बिलीव इन क्वालिटी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जरूरी है लेकिन सबसे पहले क्वालिटी जरूरी है, लोगों को जोड़ा जाए, और वी नीड गुड लीडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पंजाब में पार्टी को खड़ा किया जा रहा है, सो सबसे पहले हमें अच्छे लीडर्स चाहिए पंजाब में, जो कि लोगों को अवेयर करे और हमारी पार्टी का प्रचलन अच्छे तरीके से हो पाए, तो हम अच्छी लेडीज को और अच्छे लोगों को सबसे पहले जोड़कर और सारा सोशल अवेयरनेस हम क्रिएट करने की जय मुहिम चला रहे हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।